कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती हैं, चाहे वो दुकान से कोई सामान लाना ही क्यों ना हो। और वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सिलेबस को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। मैथ्स हो या फिर फिजिक्स, कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें हम घंटों लग जाते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं होती हैं। वहीं पर आपके कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो मिनटों में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। उनका कंसंट्रेशन, मेमोरी, ब्रेन या फिर फोकस कैसे ज्यादा हो सकता है? इस सवाल का यदि आंसर ढूंढोगे या फिर अपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि ये होशियार है, ये कमजोर है, उनका दिमाग बहुत तेज है, तुम गधे हो। दोस्तों, ये बात भी कई हद तक सही है कि अपने आपका दिमाग का कमजोर या फिर मजबूत होना आपके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है और इसका बहुत फर्क भी पड़ता है। जैसे आपका दिमाग आपके मम्मी या पापा पर गया है और उनका दिमाग कमजोर है तो आपका भी हो सकता है। वहीं यदि आपका दिमाग जिस पर भी गया हो और उसका दिमाग तेज है तो आप भी तेज और ब्रिलियंट होंगे। इसके बाद आप इस चीज को भी मान लें कि हमारा दिमाग चाहे कैसा भी हो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। और हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को हम कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी जो पावर होती है उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता है। इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर से भी बहुत तेज होता है और आपको ये तो पता ही होगा कि इंसान ने ही सुपर कंप्यूटर बनाया है, ना कि सुपर कंप्यूटर में इंसान को। अब ये बात आप मान लो कि आप अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग ढाल या फिर शार्प कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। जैसे बॉडी बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज, डाइट और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, वैसे ही दिमाग की कंसंट्रेशन, तेज और फोकस को बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी और कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी जिससे आपका दिमाग और मेमोरी तेज होगी। जो चीज़ें आप छोड़ देंगे जिनसे आपका दिमाग कमजोर हो रहा है वो छोड़ते ही ऑटोमेटिकली आपका तेज होना। चलो अब हम शुरुआत ही इससे करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका माइंड वीक हो रहा है या फिर कमजोर हो रहा है। इसका नंबर 1 रीजन है शॉर्ट्स वीडियो। अब वो चाहे इंस्टा पर हो, यूट्यूब पर हो या शॉर्ट्स या स्नैपचैट पर हो, ये देख देख कर हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो 25% तक गिर चुका है, जिससे हमारे ब्रेन को आदत पड़ गई है छोटे छोटे कंटेंट को देखने की, जिससे हमारा ब्रेन लंबे टाइम तक किसी एक चीज पर फोकस करना ही नहीं चाहता और ना ही हमारा मन करता है। ये सब चलाकर हमने अपने ब्रेन को डोपामाइन की आदत बना ली है, जिससे हमें आदत हो चुकी है मजे मारने की। अब हम नॉर्मल चीज करेंगे तो मजा नहीं आएगा और माइंड हमेशा मजे की तरफ ही भागेगा, जिससे कि हमारा फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सोशल मीडिया में से हमारा कंसंट्रेशन पावर, फोकस और अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। तो आपने यदि ये चीज़ें छोड़ दी तो आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा है कुछ ऐसी लॉजिकल एक्सरसाइज जिससे कि आप अपने ब्रेन को बढ़ा सकते हैं। इन सिंपल एक्सरसाइज से आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, शार्प रहेगा और कंसंट्रेशन का लेवल जो कि वो आप काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इन एक्सरसाइज को आप फ्री टाइम पर भी कर सकते हो और आपको काफी मजा। नंबर 1 एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट गेम। आप उसको खेलें, इससे आपको फोकस और चीजों को समझने का मौका मिलेगा, आपको कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस एक्सरसाइज को करने से टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन से ब्रेन में अलग अलग हेमिस्फेयर में होते हैं, जिसे अच्छे से अच्छा आदमी को दिमाग घूम जाता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से दोनों हेमिस्फेयर की बीच की स्टोन कलेक्शन बनने लग जाता है। इसको करने से आपकी दो चीजें, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, साथ ही मल्टीटास्किंग भी बढ़ती है, ब्रेन एक टाइम पर दो काम भी आसानी से करना जान जाता है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है का नाम है हैंड गेस्चर। एक हाथ से विक्ट्री का साइन और दूसरे से ओके का साइन, इसको आप 5-6 बार करें। कई लोग इसे करने में भी चकरा खा गए हैं। आपके पास 10 सेकेंड है, क्या फील किया आप खुद कमेंट करके बताएं। तीसरी एक्सरसाइज है मेक सर्कल एंड अ ट्रेंगल। एक हाथ से आप ट्रेंगल और एक से सर्कल बनाएं, इससे आपकी कॉन्शियसनेस और फोकस पावर बढ़ेगी। दोनों हाथ को एक ही टाइम पर बनाएं।
फोर्थ एक्सरसाइज है ब्लाइंड फोल्डेड। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी आईज बंद करके रखनी है। इसमें आप सभी चीजें सही से कर पा रहे हैं या नहीं ये चेक करना है, जैसे टैपिंग ऑफ वाटर, मग का मिलना, सॉप उठाना और सही जगह पे रखना। इसे करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, ब्रेन एक्टिव होगा और नए न्यूरॉन्स भी पैदा होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है यूज योर लेफ्ट हैंड। डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम यूज में ला सकते हैं, जैसे सुबह उठकर लेफ्ट हैंड से पानी पीना, ब्रश को यूज करना, इवन दो पेस्ट को भी लेफ्ट हैंड से लगाएं, ध्यान रहे टूथपेस्ट नीचे ना गिरे। अब इससे होगा क्या, इससे आपका ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स पैदा होंगे और जो हैं उनके बीच में कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा जो आपके नेजल्स को तेज करेगा। आप इन 5 एक्सरसाइज को डेली लाइफ में यूज करें तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको फील होगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हो।